হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আজকে আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম। আজকের ব্লগটি হলো সঠিক পদ্ধতি দিয়ে কীভাবে একটি ঘরকে ড্রয়িং করা যায়, সেই ফর্মুলা আমি আমার স্কুলের বাচ্চাদেরকে আজকে শিখিয়েছি। সম্পূর্ণ ভিডিওতে থাকবেন, দেখা মাত্র সবাইকে শেয়ার করবেন। আমি হিন্দিতে কিছু কথা বলেছি বাচ্চাদের সাথে। আমার স্কুলটি হলো তারাপুর কালীমণ্ডল নিতমি এলপি স্কুল উপরতলায়। আমি প্রতি রবিবার সকাল 10টা থেকে 12:30 অবধি ক্লাস করে। লেকিন ये गलत है, गलत है ना? हाँ। क्यों गलत है? क्योंकि हम अभी समझाएंगे क्यों गलत है, अरे क्यों सही है। ठीक है, ये देखो अभी। अच्छा, पहले ये बताओ घर किस लिए, घर किस लिए हम बनाते हैं? रहने के लिए। चलो এবং বিকাল 4টা থেকে 6টা অবধি এখানে ক্লাস করে। খুব যত্ন করে আমরা বাচ্চাদেরকে শেখাই বিভিন্ন টেকনিক অবলম্বন করে। আর্ট, ক্রাফট এবং স্কাল্পচার এখানে শেখানো হয়। আমার দুটি ফেসবুক পেজ রয়েছে, আর্টিস্ট গৌরশঙ্কর, গৌরশঙ্কর ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট। আমাকে ফলো করবেন, ফলো করবেন ইনস্টাগ্রামে গৌরশঙ্কর, আর্টিস্ট গৌরশঙ্কর। এবং আমার একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে আর্টিস্ট গৌরশঙ্কর, আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওতে থাকার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে শেয়ার করবেন অবশ্যই। আবার দেখা হবে আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আচ্ছা, হাম সুকুন সে ঘর দরওয়াজা লাগা কে লক করকে হাম রাত কো সো সকতে হ্যায় না? চলিয়ে আবি থোড়া হটিয়ে। হ্যাঁ, আবি দেখো ইয়াহ পর না হামনে তো ঘর বানা লিয়া, লেকিন ইয়ে ঠিক নেই হ্যায়। কিস লিয়ে ঠিক নেই হ্যায়? हर कहीं यहाँ पर गलती करता है ना। देखो, अगर यहाँ पर बारिश गिरेगा, मान लीजिए इधर बारिश गिरेगा, हाँ ठीक है, तो बारिश गिरेगा तो ये इधर ऐसे आके ये दीवार पे, दीवार पे लाग के इधर गिरेगा ना। हाँ, वॉल पे, वॉल बिक के, वॉल बिक के उधर जाएगा। क्यों, क्यों, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं दिए आप लोगों ने। क्या नहीं दिए? स्पेस। यहाँ पर देखो मैंने स्पेस दी है, इधर थोड़ा हटो। हाँ देखो, स्पेस दिया है ना। अगर यहाँ पर पानी गिरेगा, ठीक है, तो इधर इधर कहाँ से इधर आके गिरेगा ना, उधर आके यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है, आप ये बताओ यहाँ पर तो जो पोस्ट दिया है ना, यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अभी देखो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा वर्ड ऊँचा करके दिया ना। ये किस लिए दिया, एक एक कर बताओ। नहीं, अब बताओ। ताकि पानी घर पे ना घुसे। अगर देखो उधर आके उधर पानी आएगा ना, तो उधर जमा होगा पानी। हाँ। और ज़्यादा होगा तो उधर ज़्यादा पानी जागा गिरेगा तो उधर जमा होगा पानी और घर में घुस जाएगा ऐसे देने से। और आप थोड़ा ऊंचा दोगे तो उधर पानी ऐसे करके नहीं घुसेगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा है तो अभी समझ में आ गया। हाँ, आप जब ना घर बनाओगे, घर जब ड्रॉ करोगे ना, तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पर स्पेस देना है और यहाँ थोड़ा ऊंचा करना है। और एक बात, ये जो पोस्ट दिया है ना, देखो ये जो दिया है ये थोड़ा लंबा दिया है, ये थोड़ा छोटा दिया है। ये दोनों देखो, ये दोनों समान है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव का बात है। पर्सपेक्टिव और किसी दिन आपको समझाएंगे पर्सपेक्टिव किसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सबको सबको ठीक है, चलो।